मुझे एक कमेंट आया कि मैम ब्रेकअप के बाद किसी इंसान को कैसे भूल नहीं पा रही हूँ, इसके बारे में कुछ बोलिए। तो इसके बारे में सबसे पहले तो ये कि आप उसे भूल नहीं सकते, लेकिन आपके पास जो मेमोरीज है ना वो पेनलेस हो सकता है। अभी जितना याद आने पर आप रोते हो, कुछ समय बाद आप इतना नहीं रोएंगे। हम आपको दो तीन टिप्स देंगे जिससे कि आप इस प्रॉब्लम से जल्दी ही बाहर निकल जाएंगे। मुझे ये भी पता है कि कुछ लोग कमेंट करेंगे बोलना आसान होता है पर करना आसान नहीं होता। मुझे पता है ये आसान नहीं है। अगर आसान नहीं है तो फिर रोते रहो, लाइफ बर्बाद कर लो। आसान नहीं है पर निकलना तो पड़ेगा ना। आपको एक ही जिंदगी मिली है, किसी के लिए बर्बाद करने के लिए नहीं मिली है। भगवान ने एक जिंदगी दी है जीने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, न कि रो धो के बर्बाद करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि किसी भी इंसान से जब आप दूर होते हो ना, तो उस इंसान से ज़्यादा उसकी बातें याद आती हैं, उसकी कस्में वादे, जो कि वो साथ जन्मों तक निभाने की बात करते हैं, साथ जीने मरने की बातें करते हैं। वो बातें आपको बार बार याद आती है और आप सच को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। आपको लगता है नहीं, ये इंसान धोखा नहीं दे सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता, मैं किसी इंसान को मतलब पहचानने में गलती नहीं कर सकती। आप इस तरीके से खुद से बातें करते हैं, इसलिए और रोना आता है। तो अगली बार जब उसकी बातें आपको याद आए ना, तो खुद को याद दिलाइए, खुद को समझाइए कि बातें सही नहीं होते हैं। बातें लोग साथ जन्मों तक साथ निभाने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ लोग एक जन्म तक क्या मतलब 4 दिन भी साथ नहीं निभाते हैं। तो अगर आपको किसी इंसान को समझना है तो उसकी एक्शन को देखिए। तो आपके साथ जो जो हुआ ना, तो खुद को आप याद दिलाइए कि अगर वो इंसान सही होता तो वो मुझे धोखा नहीं देता। एक्शन क्या है? उसने धोखा दिया। तो सच ये है, उसकी बातें सच नहीं है। तो उसकी बातें जब भी याद आए तो खुद को याद दिलाइए कि नहीं, ये सब झूठ था, सच तो ये है कि उसने मुझे धोखा दिया। ये बातें आप खुद को बार बार याद दिलाइए। दूसरी बात, आपको जब भी रोना आए तो रोइए, पर अपना आंसू खुद से पोछिए। जब आप अपना आंसू खुद से पोछते हो ना, तो बिलीव मी आप बहुत मजबूत बनते हैं, अंदर से मजबूत बनते हैं। आपको फिर दोबारा आंसू जल्दी नहीं आते हैं, आते हैं पर जल्दी नहीं आते हैं। लेकिन जब आप किसी और का सहारा लेते हो तो आपको आंसू और ज्यादा आता है। आपने ऐसा कभी महसूस भी किया होगा कि आप अकेले में रोते हो, अपना आंसू खुद से पोछते हो, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो आपको जल्दी से फिर रोना नहीं आता, कुछ देर बाद आता है। तो अपना आंसू खुद से पोछिए और खुद को समझाते हुए, अब मैं जी कर दिखलाऊंगा, अगर वो मेरे बिना जी सकता है या जी सकती तो मैं क्यों नहीं, मैं भी जी सकती हूँ। और अपने माता पिता को याद कीजिए कि मुझे उनके लिए जीना है, जो आपसे प्यार करते हैं उनको याद कीजिए कि मुझे उनके लिए जीना है और मैं जी कर दिखलाऊंगा। इस तरीके से आपको खुद से बात करनी होगी। जिस तरीके से उसकी बातें आप बार बार याद करते हो ना, उसी तरह आपको ये सब बात खुद को समझाना होगा। दूसरा कि आपको सैड सॉन्ग नहीं सुनना है। अगर आप सच में ब्रेकअप की जो दौर से आप गुजर रहे हो उससे अगर आप निकलना चाहते हो तो आपको सैड सॉन्ग नहीं सुनना है। सैड सॉन्ग सुनोगे तो आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। यहाँ पर आपको मोटिवेशनल वीडियोस देखना है या फिर सॉन्ग सुनना है, जो मोटिवेशनल सॉन्ग भी होता है, ओ सिकंदर या और भी बहुत सारे सॉन्ग होते हैं, वो सारे सुनिए, ये सब सुनिए। तो कुछ टाइम लगेगा, ऐसा नहीं, ये नेचुरल है। आप जब किसी से दूर होते हैं तो दुख होता है। तो ये सवाल मत खुद से पूछिए कि मुझे रोना क्यों आ रहा है, मैं उसको कैसे भूलूं, ये सारे सवाल गलत है, होता है। आप किसी इंसान से दूर होते हैं तो ये नेचुरल। हाँ, जो गलत लोग होते हैं, धोखेबाज होते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता है। बट आपने सच्चा प्यार किया है, दिल से किया है, आप किसी इंसान के साथ इमोशन से जुड़े हुए थे, तो दुख होगा। पर कुछ समय बाद आप इस ये जो आपके पास मेमोरीज है ना ब्रेकअप वाला, ये भूल तो नहीं सकते लेकिन ये पेनलेस हो जाएगा। कुछ समय बाद जब आपको याद आएगा ना, तो आप सोचोगे
इसलिए मैं रो रहा था, इसलिए मैं रो रही थी। आपको खुद पर हंसी आएगी, लेकिन अभी नहीं आएगी, कुछ समय बाद। तो आई होप कि मेरी वीडियो से आपको जरूर कुछ हेल्प मिलेगा। मैं लास्ट में बस याद दिला देती हूँ कि जब भी उसकी बातें याद आए, खुद को याद दिलाई, नहीं ये सब झूठ था, उसने मुझे धोखा दिया, यही सच है। उसकी एक्शन को याद कीजिए, सैड सॉन्ग नहीं सुनना है, अपना आंसू खुद पोंछना है, ठीक है। और दूसरे को ये स्टोरी बार बार मत सुनाइए, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, नहीं। अपने जख्मों पर बार बार टच नहीं करना है, कुछ समय खुद को दीजिए।